तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं हमारी भैंसों के साथ करूँगी, क्योंकि हमारी भैंस है ना मुझे देख रही है और वो रो भी रही है। गाइस, उसको ना मैंने ऐसे बोल दिया था थोड़ा सा कि मैं आज ना दिल्ली जाऊँगा, बस फिर वो इमोशनल हो गई थी। तो देखो ना, दोनों कितने प्यार से खड़ी है कि तुम मत चो मत जाइए। और हमारी भैंस भी बहुत खुश रहती है इन टुन्ने मुन्ने को देख के। गाइस, और गाइस हम भी चाहेंगे उनके साथ आज कर। तो गाइस, मैं रोज गुड़ जा रही हूँ ना और इनके तीन तीन चांटे मार के जाऊंगी। ये लड़की सिखाती है और ये बोलती है, ये बुलाती है और ये बोलती है कि आना नहीं सर, सेम है ना, सही है ना। तो गाइस, अभी मैं राजगढ़ जा रही हूँ, कुछ चीजें लाऊंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। ओके, बाय बाय। तो गाइस है ना, अब हम जा रहे हैं राजगढ़। तो ये हमारा पूरा गाँव है, यहाँ पे झांकी कौन वो मारो। तो गाइस है ना, ये पूरा गांव है हमारा और ये हमारा पुराना वाला घर है, काकी का घर है। काकी अभी आ रही है, ये काकी का, काकी अपने मतलब वहां बड़े मामा की गई हुई है, मतलब उन मामा के। तो अभी हम राजगढ़ जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों निकम्मे ना, हम बाइक से जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है बाइक से जाना, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी नहीं मानी, इतनी जिद पे रही है ना कि नहीं हम जाएंगे, रोने लग गई इशू, फिर इनको लाना पड़ गया। तो हम फिर बड़ीगढ़ से जा रहे हैं। और गाइस है ना, जो गांव की वेशभूषा है, जो संस्कृति है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं ना ये वाली लुगड़ियाँ इसलिए ओढ़ती हूँ कि अब मैं घूंघट में हूँ ना, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, मुझे ऐसे नहीं देखना पड़ेगा। ये कोई लेडीज ऐसे देखती है, ये कोई नहीं देखे, एक एक तरीका और होता है ऐसे करके देखने का, लेकिन वो मेरे से होता नहीं है, आँख आँख दिखा के, लेकिन ये वाला मुझे आता है, ऐसे देखती है लेडीज, क्योंकि वो इतने गाड़ी होती है ना लुगड़ी, उसमें से कुछ दिखता ही नहीं, बहुत मोटे वाला कपड़ा होता है। और ये वाली जयपुर की जो ओढ़नियाँ और लुगड़ी होती है ना, वो उसमें सब कुछ दिखता है, मुझे अच्छी भी लगती है और कम्फर्टेबल भी रहती है। गाड़ी तो हम ब्लॉग बनाते बनाते और मस्ती करते करते राजगढ़ पहुँच ही जाएंगे और आप लोगों से बातें करते करते। तो गाड़ी है ना, वीडियो बना रहे हैं ना हम गाड़ी में बैठ के, और मैं बहुत कम्फर्टेबल होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ना इस लुगड़ी में मैं बोल रही हूँ मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बाहर वाले लोगों को नहीं दिख रहा। और मेरे याद आता है कि मैं कैमरा ऑन करके ऐसे ब्लॉग बनाऊँ और कोई मुझे सामने से देखा ना, तो फिर मैं कम्फर्टेबल नहीं रहती, मेरे को झिझक सी रहती, आज भी है कि मैं नहीं बना पाती। कभी भी मैं कैमरा ऑन कभी मार्केट में करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे डर लगता है, पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है कि नहीं मैं बंद कर लेती हूँ। लेकिन अब है ना, आराम से मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, क्योंकि मेरा मुंह हिलता हुआ किसी को दिख ही नहीं रहा। गाइज, और ये हमारा गांव है गाइज, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ये मेन रोड है, काफी बड़ा रोड है, इसमें बहुत इतने साधन चलते हैं ना, दिन रात ही बहुत साधन चलते हैं। और तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं राजगढ़ और ये हमारे राजगढ़ में एंट्री हो गई है। तो देखते हैं हम क्या क्या सामान लेंगे, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, मेरी सासू माँ ने जो बताया वो तो लेके आएंगे, बाकी मैं भी एक दो चार लहंगे लेके आने वाली हूँ। अभी कौन से चल रहे हैं न्यू लेटेस्ट जो भी, वो देखती हूँ मैं जाके और आपको भी दिखाती हूँ गाइस कि मैं कैसे कैसे लेती हूँ लहंगे। और गाइस हम दोनों बंदर बैठे पीछे, इन दोनों के पीछे हम बैठे दोनों बंदर। गाइस मैं अपनी खुद की बेइज्जती कर रही हूँ, सॉरी गाइस। हम दोनों रानियां बैठे है पीछे, और गाइस इधर है मम्मा और इधर है पापा, और हमारी इधर पार्टी हो रही है, टी 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 पार्टी हो रही है। कढ़ाई में और दिखाओ ना, क्योंकि उसकी लंबाई अच्छी है, लगाओ कि वो 42 पानी पिला देंगे ना, दो लिए, 150 वाली और 100 वाली, 330 रुपए। मिंटू एक कितने दे रहे गोलगप्पे? 10 के 5। और दिल्ली में 10 के 2। 10 के 2 कई कई जगह तो अंकल 30 के 5। हाँ, कनाट पैलेस में 30 के 5। इसलिए मैं बहुत सारे खा के चलूंगी, 50 रुपए। ठीक, एक महीने की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। तो गाइस देखो, हम दोनों आगे बैठकर, मम्मा बैठ गए पीछे, और गाइस मम्मा ना पूरे पीछे ना घूंघट ओढ़ के बैठे, जैसे कि कोई दूल्हा ना। देखो गाइस, गाइस मम्मा चाची को नींद आ रही है। मम्मा को क्या आ रही है? नींद। गाइस ये देखो, ये आज उतरो,
गाइस पापा और मम्मा आ चुके हैं। पापा दर्द हो रही है इतना वजन है ना एक इन्वर्टर में, सिर्फ एक इन्वर्टर में इतना वजन। तो गाइस बारिश का मौसम हो गया, हम लोग जा रहे हैं छत के ऊपर। राजगढ़ से आए थे अभी और पर्दे वर्दे सुखा रखे थे, वो लेके आएंगे। गाइस बिल्कुल देखो बारिश का मौसम हो गया। ईशु जल्दी आ, ये पर्दे उठाओ सारे के सारे और लेके चलो इन्हें, उठाओ उठाओ रख। कोई बात नहीं नीचे, कोई बात नहीं बेटा, वहां जतिन भैया के कमरे में रखो, कोई बात नहीं चलो। मैं जो बोलता भाई होता है, तूने पागल बोला तू ही है, तू लड़ी हो सबसे पहले से मेरे को मारना शुरू कर दे, तुझे पूरी मारूंगा। गाइस देखो ऐसे लड़ती है और कहती है ना बहनों का प्यार, ये कोई प्यार नहीं होता। कब बोला मैंने इससे, हट तू जा पहले, तेरे तो ज्यादा हाथ उठ रहे हैं। गांव की चीजों का फायदा, घर में ही बेल लग रही थी और घर में कच्ची कच्ची चोरी मैंने तोड़ ली, तो हम लोग दिल्ली निकलेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, जब तक ये सारा सामान पैक से कर लेती हूँ। गाइस में आ जाने आ जा। और गाइस जो ये चीज़ें होती है ना, ये देखो ये ना मेरे ससुर ने तंबाकू बोल के, ये तंबाकू के पेड़ है, अगर कोई जानता नहीं है ना तो मैं बता देती हूँ, तंबाकू है ये। तंबाकू मैं भी नहीं जानती, ये तंबाकू है। हाँ आ जा, क्या कर रहे हो? हाय डुगू क्या ये बारिश आ गई, चलो अंदर। तो गाइस बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश आने वाली है, तो हम लोगों ने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है। बहुत मन तो नहीं है लेकिन कल सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो जाना तो पड़ेगा गाइस, तो बस पैकिंग सेकिंग कर रहे हैं हम लोग। और अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखो बहुत ही ठंडा प्यारा सा, और यहाँ पे ना अभी 5:30 बजे लेकिन ठंड पड़ने लग गई गाइस। देखो गाइस ये देखो कैसे लड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है डुगू, छोड़ो उसको नीचे, छोड़ा ऐसा क्या हो रहा है आपको। गाइस बच्चों ने ना बहुत दुखी कर दिया बहुत ज्यादा, तो पर क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस बच्चों ने खूब मस्ती करी है गांव में आने के बाद में, बहुत ही अच्छा लगा और अच्छे से हमने दशहरा मना लिया, और मतलब सारी चीज़ें अच्छी हुई, सब कुछ एंजो कर। राजगढ़ भी मैं जाके आई हूँ अभी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब करवा चौथ के लिए, जैसे लाख के चूड़े दिल्ली में नहीं मिलते तो मैं चूड़े भी लेके आई थी, और क्या बोलते हैं चप्पल वगैरह ये सब मैं खरीद के लाई थी, और कुछ कपड़े भी लाई थी लहंगे वहंगे राजगढ़ के। तो और जो अभी हमने आपको बैटरी की जो वीडियो दिखाई थी ना अभी, तो गए जो वो बैटरी हम दिल्ली से लेके आए थे, हमारा इन्वर्टर पहले से लगा रखा था घर में लेकिन उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, तो अब की बार हमने दूसरी बैटरी ली है और वो भी थोड़ी बड़ी ली है, तो अभी लगा नहीं पाए, हमें टाइम नहीं मिला था, तो बैटरी तो रख के जा रहे हैं, फिर दोबारा दिवाली के टाइम पे आएंगे ना तो हम लोग लगा के जाएंगे उस टाइम पे। और इतना वजन था ना और हमारे रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है, तो गाड़ी बहुत दूर खड़ी होती है, फिर बाइक से ही या फिर पैदल आना जाना हम लोग करते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा रहा हमारा गाँव का सफ़र और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पे, ज़्यादा ना गर्मी ना सर्दी, मतलब दोनों मौसम है इस टाइम पे बहुत बराबर बराबर। तो अब हम लोग आज दिल्ली जाएंगे अभी शाम के टाइम में, अभी तो चाय पानी पियेंगे। तो गाइस मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।